पारसनाथ रेलवे स्टेशन के कुछ दूरी पर पोल संख्या 319, 14 और 319, 16 के बीच एक युवक की मौत मंगलवार को रेल की चपेट में आ जाने से हो गई। घटना मंगलवार दोपहर 2 बजे की है। युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक को ट्रेन 200 मीटर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इधर घटना की सूचना पाकर PWI के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को रेलवे ट्रैक के किनारे करते हुए घटना की सूचना रेलवे के वरीय अधिकारियों को दी। साथ ही पारसनाथ स्टेशन प्रबंधक के माध्यम से डुमरी पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे डुमरी थाना पुलिस और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेजने की तैयारी में जुट गई। आप इस विभाग में कौन सा पोस्ट में हैं? इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक मेंटेनर। आपको कैसे सूचना प्राप्त हुआ? 2 बजे स्टेशन से मेमो मिला कि आप जाइए, 319 का 1400 में डेड बॉडी है उसको। मैंने कितना बजे, मैंने आप बजे दिन रेलवे स्टेशन से पीछे में, किसने आपको खबर दिया? स्टेशन प्रबंधक, तभी से अब यहाँ अभी मौजूद है। 3 बजे के लगभग हम लोग को पारसनाथ रेलवे स्टेशन से सूचना प्राप्त हुआ कि रेलवे ट्रैक पोल नंबर 319 14 16 के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जो रेलवे का क्षेत्र से बाहर है। फिर हम लोग वहाँ से सूचना प्राप्त होने के बाद यहाँ पर आए। आने के बाद यहाँ पर देखे, शव के बारे में पहचान करवाए शव का, तो अब तक पहचान नहीं हो पाया। फिर उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया के लिए पोस्टमार्टम कराने के लिए इंक्वेस्ट तैयार करके और अभी थाना लेकर जाएंगे, क्योंकि शाम हो गया है तो आज वहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, तो थाना में आज रखेंगे। और फिर अगर कल तक अगर पहचान हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ पर गिरिडीह सितगिरी में 72 घंटा के लिए रखने का अनुरोध करेंगे और उसके बाद फिर देखा जाएगा।